रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग की ज्वाला तब और ज्यादा भड़क उठी जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो में कथित तौर पर रूसी सैनिक यूक्रेन के जवान का सिर धड़ से अलग करते नजर आए। दरअसल वीडियो में एक नकाबपोश रूसी सैनिक बर्बरतापूर्ण तरीके से एक यूक्रेनी सैनिक का गला काटता दिखा। जिस शख्स की गर्दन काटी गई उसने हरे रंग की पोशाक और बाजू पर पीले रंग की पट्टी पहनी हुई थी, जो आमतौर पर यूक्रेनी सैनिक पहनते हैं। युद्ध के दौरान अगर किसी सैनिक को दुश्मन सेना पकड़ लेती है तो वो युद्धबंदी होता है। उसे मारना या प्रताड़ित करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। लिहाजा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस की निंदा की और बदला लेने की कसम खाई। Що це за істоти? Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку знищувати життя. व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों को जानवर बताया। वहीं क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ये जरूरी है कि इस भयानक वीडियो की गंभीरता से जांच की जाए और पता किया जाए कि ये सच्चा है या झूठा। जिसके बाद यूक्रेन की राज्य सुरक्षा सेवा ने वीडियो की जांच शुरू भी कर दी, जबकि यूक्रेनी लोकपाल दिमित्रो लुबिनेट ने बताया कि वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति से भी वीडियो की जांच करने का अनुरोध करेंगे। लेकिन इस सबके बीच यूक्रेन ने बाखमुत में रूसी सेना पर धावा बोल दिया। रूसी एयर स्ट्राइक्स और तबाही के बीच बाखमुत में यूक्रेन की सेना गश्त करती नजर आई। जेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने बाखमुत के 20% इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि बाखमुत में पुतिन की प्राइवेट आर्मी यानी वैगनर ग्रुप ने ज्यादातर इलाकों को अब भी अपने कब्जे में रखा हुआ है। За прошедшие сутки в этих целях в районе города Артемовск авиация совершено 11 самолетов вылетов, ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач. Потери противника за сутки. लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन की सेना यहां रूसी फौज को कड़ी चुनौती देती दिखी। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने बाखमुत में सैकड़ों रूसी सैनिकों को मार गिराया, जबकि रूस की आर्टिलरी रेजिमेंट को भी तगड़ा नुकसान पहुंचाया। अपने दावे को पुख्ता साबित करने की कोशिश करते हुए यूक्रेन की सेना ने कुछ वीडियो भी जारी किए, जिनमें रूस के मेन बैटल टैंक T-80 BVM को धमाके से उड़ाते दिखाया गया है। यूक्रेन की सेना ने टैंक और ड्रोन हमले के जरिए भी रूसी फौज पर भारी बमबारी की, जबकि जेपोरिजिया में यूक्रेन की सेना ने रूस के दो टैंक्स को उड़ा दिया। यूक्रेन के हमलों से सहमी रूस की सेना जेपोरिजिया में 120 किलोमीटर लंबी डिफेंस लाइन तैयार कर रही है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की माने तो रूस को डर है कि यूक्रेन की फौज मेलितोपोल पर धावा बोल सकती है, जो जेपोरिजिया के बेहद करीब है, इसलिए वो डिफेंस लाइन तैयार कर रही है। यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। रूस ने इसका लक्ष्य कजाकिस्तान में सेट किया था और इसे सफलतापूर्वक टारगेट कर लिया गया है। जंग में रूस लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, जबकि रूस ने ICBM टेस्ट के साथ अब यूक्रेन और पश्चिमी देशों को भी चेतावनी दे दी है। लेकिन रूस के इस मिसाइल परीक्षण से नेटो के सदस्य देशों में खलबली मच गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस मिसाइल परीक्षण पर चिंता जाहिर की है। वहीं पिछले दिनों रूसी जनरल के हवाले से खबर आई थी कि रूस अपनी सिक्योरिटी को फिर से रिवाइज करने में लगा है। रूस को दरअसल फिनलैंड के नेटो में चले जाने के चलते काफी असुरक्षा महसूस हो रही है। अपने आसपास के देशों को नेटो की जद में जाता देख रूस अब अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की कवायद कर रहा है।